بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم I am Fauzia Atha I completed my Form D degree and MPhil Pharmacology from Bahauddin Zakaria University Multan I am regular faculty member of Bahauddin Zakaria Institute of Health Sciences Multan हम लोगों ने हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर हॉस्पिटल फार्मुलेरी को स्टार्ट किया था जिसमें आज हमने पढ़ना है कि फार्मुलेरी सिस्टम के फवायद क्या हैं बेनिफिट्स कौन कौन से हैं पहले हम पढ़ लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव फार्मुलेरी सिस्टम फिजिशियंस डेवलप ग्रेटर एक्सपीरियंस विद फ्यूअर मेडिसिन अब क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर सिर्फ जो मेडिसिन इस्तेमाल होनी है फार्मुलेरी के अंदर उन्हीं ड्रग्स की लिस्ट है तो मतलब ड्रग्स जो हैं वो कम हो गई ठीक है उन्हीं मेडिसिन को जो है वो यूज करना है बार बार पेशेंट को वही मेडिसिन देनी है तो इसीलिए उन फिजिशियंस का डॉक्टर्स का उन मेडिसिन के साथ एक्सपीरियंस बढ़ जाता है क्योंकि बार बार उन्होंने वही प्रेस्क्राइब करनी है न्यू तो कोई है नहीं फार्मुलेरी से बाहर तो वो कर नहीं सकते तो जो फार्मुलेरी के अंदर इंक्लूड है वही उन्होंने प्रेस्क्राइब करनी है इसीलिए जो फिजिशियंस हैं उनका एक्सपीरियंस उन मेडिसिन के साथ बढ़ जाता है फार्मास्यूटिकल थेरापी एट लो कॉस्ट कि वो जो मेडिसिन हैं उनकी कॉस्ट कम है ठीक है फार्मास्यूटिकल थेरापी का क्या मतलब है कि मेडिसिन के जरिए से जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो लो कॉस्ट पे कर रहे हैं कम कीमत पे कर रहे हैं क्योंकि वो मेडिसिन लेस एक्सपेंसिव है फार्मुलेरी सिस्टम का यही फायदा है इन इफेक्टिव हाई कॉस्ट मेडिसिन कैन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम सिस्टम वो मेडिसिन जो कि हाई कॉस्ट की हों एक्सपेंसिव हों और इसके अलावा उन मेडिसिन का कोई इफेक्ट भी ना हो कि वो उस डिजीज को ट्रीट नहीं कर रही जिसके लिए पेशेंट को दे रहे हैं उस मेडिसिन को इनइफेक्टिव है तो उन मेडिसिन को हम उस फार्मुलेरी सिस्टम से जो है वो एक्सक्लूड कर सकते हैं मतलब निकाल सकते हैं और उसकी जगह पे कोई इफेक्टिव और लो कॉस्ट मेडिसिन जो है वो ऐड कर सकते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ मोस्ट इफेक्टिव मेडिसिन लीड्स टू फ्यूअर विजिट्स इम्प्रूव्ड आउटकम्स एंड लोअर कॉस्ट ऑफ थेरापी अब फार्मुलेरी सिस्टम के अंदर इफेक्टिव मेडिसिन अगर होंगी ठीक है ज्यादा अवेलेबिलिटी है इफेक्टिव मेडिसिन की तो जाहिर सी बात है पेशेंट की जो डिजीज है उसको जो है वो ट्रीट कर सकते हैं ठीक है तो जाहिर सी बात है पेशेंट के जो विजिट्स हैं वो कम हो जाएंगे उनको ज्यादा हॉस्पिटल के अंदर नहीं आना पड़ेगा तो इसको कहते हैं फ्यूअर विजिट्स इम्प्रूव्ड आउटकम्स के जिस पर्पज के लिए हम उस मेडिसिन को इस्तेमाल कर रहे थे वो भी इम्प्रूव हो रही है ठीक है थेरापी जो पेशेंट की कर रहे हैं वो वक्त के साथ साथ पेशेंट की कंडीशन जो है वो इम्प्रूव होती जा रही है नतीजे जो है वो अच्छे निकल रहे हैं तो इसका मतलब है इम्प्रूव्ड आउटकम्स एंड लोअर कॉस्ट ऑफ थेरापी ये हमने पहले ही बताया है कि फार्मुलेरी सिस्टम के अंदर जो मेडिसिन थेरापी के लिए यूज की जा रही हैं वो इनएक्सपेंसिव हैं ठीक है वो एक्सपेंसिव नहीं है उनकी कॉस्ट जो है वो कम है तो इफेक्टिव मेडिसिन की अवेलेबिलिटी फ्यूअर विजिट्स इम्प्रूव आउटकम्स एंड लोअर कॉस्ट ऑफ थेरापी की तरफ लीड करती है रिड्यूस्ड इन्वेंट्री कंट्रोल अब बहुत ज्यादा मेडिसिन नहीं है जो कि हॉस्पिटल के अंदर रखनी है कम है ठीक है इन्वेंट्री कंट्रोल का क्या मतलब होता है चेक करना स्टॉक को कि कौन सा अवेलेबल है कौन सा नहीं है तो जाहिर सी बात है वो मेडिसिन जो हॉस्पिटल के अंदर इस्तेमाल हो रही है सिर्फ उन्हीं का ही इन्वेंट्री कंट्रोल करना है तो उसकी वजह से इन्वेंट्री कंट्रोल जो है वो भी कम हो जाएगा रिड्यूस्ड हो जाएगा मतलब कि अगर बहुत ज्यादा मेडिसिन होती जाहिर सी बात है उसको फिर ज्यादा देखना पड़ता कि कितनी मेडिसिन हैं कितनी नहीं है पूरे स्टॉक को चेक करना वो ज्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू तो हॉस्पिटल के अंदर सिर्फ जो मेडिसिन यूज हो रही हैं सिर्फ उन्हीं को ही इस्तेमाल करना है उन्हीं को ही रखना है तो उनका जो इन्वेंट्री कंट्रोल है वो भी रिड्यूस हो जाएगा फॉर्मुलेरी सिस्टम के अंदर कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ मेडिसिन
मेडिसिन की जो सप्लाई है वो भी कंसिस्टेंट होगी, ठीक है? वो मतलब जब जरूरत होगी मेडिसिन की, उनको जो है उन डिपार्टमेंट्स के अंदर भेजा जाएगा, मतलब मुस्तकिल मुस्तकिल मिजाजी जिस चीज को कहते हैं ना, वैसे ही इस तरह मेडिसिन की जो सप्लाई है वो कंसिस्टेंट है। इम्प्रूव प्रोक्योरमेंट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, तो मतलब वो जो मेडिसिन हैं उनकी रिसीविंग जो है वो भी इम्प्रूव्ड है, क्योंकि सिर्फ हमने उन्हीं मेडिसिन को ही रिसीव करना है जो कि हॉस्पिटल के अंदर यूज हो रही हैं। उसी हिसाब से उसका इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी क्या है, रिड्यूस हो जाएगा, मतलब इम्प्रूवमेंट होगी, क्योंकि मेडिसिन जो है वो कम है जो फार्मुलेरी सिस्टम के अंदर यूज हो रही हैं, तो इसीलिए उनकी प्रोक्योरमेंट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है वो दोनों इम्प्रूव हो जाएंगी। सेविंग मनी, मनी को जो है वो सेव कर रहे हैं, क्योंकि इन्वेंट्री कंट्रोल भी इतना ज्यादा नहीं है। इसके अलावा फार्मुलेरी सिस्टम के अंदर जो मेडिसिन इस्तेमाल की जा रही हैं वो लेस एक्सपेंसिव है, लेस एक्सपेंसिव होने की वजह से मनी की भी जो है वो सेविंग हो रही है। लोअर अमाउंट ऑफ स्टॉक्स, ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर जो स्टॉक है, जो मेडिसिन हैं जो चेक करते हैं उनकी मकदार भी क्या है वो कम होगी, ठीक है? जाहिर सी बात है स्टॉक जो है वो हमें कम मंगवाना पड़ेगा हॉस्पिटल के हिसाब से, हॉस्पिटल की जो इन्वेंट्री है उस हिसाब से हमने स्टॉक को मैनेज करना है। तो लोअर अमाउंट ऑफ स्टॉक्स, इजियर डिस्पेंसिंग, उन्हीं मेडिसिन को ही वो जो है देना है पेशेंट को, तो इसलिए डिलीवरी ऑफ मेडिसिन टू द पेशेंट जो है वो भी इजी हो जाएगी, उसको हम कहते हैं डिस्पेंसिंग। बेटर पेशेंट कंप्लायंस, के इफेक्टिव फार्मुलरी सिस्टम के अंदर जो मेडिसिन हमने रखी हैं, जो हॉस्पिटल के अंदर इस्तेमाल की जा रही हैं, वो इफेक्टिव मेडिसिन हैं। तो इफेक्टिव मेडिसिन हैं तो पेशेंट्स भी जो हैं उन मेडिसिन को फॉलो कर रहे हैं जिस तरह उनको बताया जा रहा है कि इस तरह आपने इसको यूज करनी है, टाइम पे इस्तेमाल करनी है। कंप्लायंस, पेशेंट कंप्लायंस का क्या मतलब होता है कि पेशेंट को जो हदायत दी जा रही हैं पेशेंट जो है उसको फॉलो कर रहा है, फॉलो अप। फॉलो जब कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसकी पेशेंट की कंडीशन जो है वो इम्प्रूव हो रही है, तो इसलिए कहते हैं बेटर पेशेंट कंप्लायंस। प्रमोट्स नॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड स्टाफ, कि फिजिशियन और स्टाफ का जो नॉलेज है वो बढ़ रहा है, क्योंकि उन्हीं मेडिसिन को इस्तेमाल करना है, उसके साथ उसका एक्सपीरियंस भी बढ़ रहा है और उन्हीं मेडिसिन के बारे में उसका जो नॉलेज है वो भी बढ़ रहा है, प्रमोट हो रहा है। रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन अप्रोप्रिएट प्रेस्क्राइबिंग, ठीक है, कि गलत मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करने का जो रिस्क होता है वो भी इफेक्टिव फार्मुलरी सिस्टम उसको कम कर रही है, रिड्यूस कर रही है, क्योंकि उन्हीं मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करना है जो कि फार्मुलरी सिस्टम के अंदर दी गई है, हॉस्पिटल की लिस्ट के अंदर दी गई है, तो इसीलिए गलत मेडिसिन प्रेस्क्राइब करने के जो रिस्क होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। नॉन प्रोप्राइटरी और जेनेरिक नेम्स हैव एडवांटेजेस इन द हेल्थ केयर सिस्टम। अब क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर जो ज्यादातर कोशिश यही की जाती है कि मेडिसिन को उनके जेनेरिक नेम से ही प्रेस्क्राइब किया जाए, क्योंकि ये चीज आपने पहले भी पढ़ी हुई है कि जेनेरिक नेम एंड ब्रांड नेम। ब्रांड नेम क्या होता है, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी खुद बनाती है और उस ड्रग को जो है वो नाम दे देती है, तो इसलिए इसमें तो कंपनीज वाला फिर वो जो है ताल्लुक नहीं होगा, तो इसलिए हेल्थ केयर सिस्टम हॉस्पिटल वाले जो हैं मेडिसिन को जेनेरिक नेम से ही प्रेस्क्राइब करते हैं, और उन्हीं का जो है वो फायदा है इफेक्टिव फार्मुलेरी सिस्टम के अंदर। तो ये थे इसके बेनिफिट्स। अब हम देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस, के मतलब क्या क्या नुकसान हैं। डिप्राइव फिजिशियन फ्रीडम टू प्रेस्क्राइब, कि जो डॉक्टर्स हैं उनकी आजादी जो है वो खत्म हो जाती है, डॉक्टर जो है वो इस चीज से महरूम हो जाते हैं कि वो किसी भी मेडिसिन को प्रेस्क्राइब कर दें। जो लिस्ट के अंदर मेडिसिन दी गई हैं डॉक्टर ने सिर्फ वही प्रेस्क्राइब करनी है, तो इसीलिए जो डॉक्टर की फ्रीडम है, डॉक्टर की आजादी है, वो खत्म हो गई है प्रेस्क्राइब करने में। चेंजिंग प्रेस्क्राइबिंग हैबिट इज डिफिकल्ट टू अचीव, के पहले जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब की गई थी पेशेंट को, उससे पेशेंट को कोई इफाका नहीं हुआ,
तो जाहिर सी बात उसकी प्रेस्क्रिप्शन चेंज करनी पड़ेगी, तो उसको भी जो है वो चेंज करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उन्हीं मेडिसिन को जो है वो बार बार प्रेस्क्राइब करना होता है। तो इसीलिए चेंजिंग प्रेस्क्राइबिंग हैबिट इज डिफिकल्ट टू अचीव, अलाउज परचेज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी ऑफ ड्रग्स इन दोज क्लिनिकल सेटिंग्स वेयर इज देयर इज नो स्टाफ फार्मासिस्ट। अब क्यों जो फार्मासिस्ट है उसने क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट जो होते हैं ड्रग्स के उनको भी इंश्योर करना होता है कि इस ड्रग ने इन टेस्ट को पास किया है। अब अगर फार्मासिस्ट ही नहीं है तो क्या होगा कि फार्मुलेरी सिस्टम के अंदर वो ड्रग्स भी आ जाएंगी जो कि इन्फीरियर हैं, ठीक है, मतलब कमतर हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो फार्मुलेरी सिस्टम का ये नुकसान है कि इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ ड्रग्स जो हैं वो भी परचेज कर लेते हैं उस जगह पे जहां पे कोई स्टाफ फार्मासिस्ट ना हो, लेकिन अगर स्टाफ फार्मासिस्ट होगा तो तब तो इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ ड्रग्स को हम परचेज नहीं कर सकते। कंटिन्यूअल अपडेटिंग ऑफ फार्मुलेरी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टाइम एंड एक्सपेंडिचर। अब टाइम के साथ साथ हॉस्पिटल की जो फार्मुलेरी है वो चेंज होती है, ठीक है, कुछ मेडिसिन ऐड होती हैं, कुछ जो है वो फिर डिस्कार्ड भी कर देते हैं, उसमें से एक्सक्लूड कर देते हैं। तो जिस तरह बुक्स की अपडेटिंग होती रहती है ना वक्त के साथ साथ, इसी तरह हॉस्पिटल की जो फार्मुलेरी है वो भी वक्त के साथ साथ अपडेट होती रहती है। तो इसका नुकसान क्या है कि बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है, जाहिर सी बात हर चीज की एफर्ट तो करनी पड़ती है ना, तो लॉट ऑफ एफर्ट्स टाइम भी ज्यादा खर्च होता है और एक्सपेंडिचर्स अखराजात भी जो है वो ज्यादा हो जाते हैं फार्मुलेरी को अपडेट करने में। तो ये इसके हैं नुकसान फार्मुलेरी सिस्टम के। फार्मुलेरी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कि कौन कौन से कायदे कवानीन हैं फार्मुलेरी को मैनेज करने के, कि सिलेक्ट मेडिसिन्स ऑन द बेसिस ऑफ नीड, कि जरूरत की बेस पे मेडिसिन्स को सिलेक्ट करना है, कि पेशेंट की डिजीज कौन सी है, पेशेंट की कंडीशन कैसी है जो कि आइडेंटिफाई की गई थी, डायग्नोस की गई थी, ठीक है, जाहिर सी बात है कि डॉक्टर जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेंगे पेशेंट की कंडीशन को देख के और उसकी जो डिजीज होगी उसी के मुताबिक ही मेडिसिन को सिलेक्ट करके और प्रेस्क्रिप्शन पे लिख के देंगे। तो ये जो है एक प्रिंसिपल है फार्मुलेरी मैनेजमेंट का। सिलेक्ट मेडिसिन ऑफ चॉइस, ठीक है, कि जिन मेडिसिन की जरूरत है सिर्फ उन्हीं को ही सिलेक्ट करना है, इन अप्रोप्रिएट मेडिसिन को सिलेक्ट नहीं करना, उनका इंतखाब नहीं करना और प्रेस्क्रिप्शन पे लिख के नहीं देनी। मेंटेन लिमिटेड नंबर ऑफ मेडिसिन, कैसा ना हो कि जी बहुत ज्यादा मेडिसिन जो है वो पेशेंट को प्रेस्क्राइब कर दी है, ठीक है, तो कोशिश यही करनी है कि लिमिटेड नंबर ऑफ मेडिसिन को जो है वो प्रेस्क्राइब किया जाए ताकि पेशेंट भी उसको इजीली हैंडल कर सके, उसको इजीली यूज कर सके, ठीक है, और बाकी जो फार्मासिस्ट वगैरह है वो भी इजीली जो है उसके साथ हैंडलिंग कर सके, उसकी जो है वो डीलिंग कर सके। यूज जेनेरिक और नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स, ये मैंने आपको पहले बताया है कि हॉस्पिटल के अंदर ज्यादा कोशिश यही की जाती है कि ब्रांड नेम्स के बजाय जेनेरिक नेम को जो है वो फोकस किया जाए, तो इसीलिए जेनेरिक नेम्स वाली मेडिसिन जो है उनको यूज करना है, उनको प्रिस्क्राइब करना है। यूज कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स ओनली इन स्पेसिफिक प्रूवन कंडीशंस, फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरक्लोसिस। कुछ आपने देखे होंगे कि कैंसर के अंदर, ठीक है, टीबी के अंदर, टीबी के लिए ही जो मेडिसिन यूज की जा रही है वो एक नहीं होती, उसके अंदर चार मेडिसिन यूज की जाती है, ठीक है, इसी तरीके से कैंसर के अंदर भी जो है डिफरेंट ड्रग्स जो कि कैंसर के लिए ही होती हैं, लेकिन उनको कॉम्बिनेशन में यूज किया जा रहा है। कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट का यह मतलब है कि उस स्पेसिफिक कंडीशन के लिए एक से ज्यादा ड्रग्स उस कॉम्बिनेशन के अंदर यूज की जा रही हैं, तो इसीलिए यूज कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स ओनली इन स्पेसिफिक प्रूवन कंडीशंस, ठीक है, टीबी के अंदर चार जो हैं वो मेडिसिन यूज की जाती हैं कॉम्बिनेशन में। इसके अलावा कैंसर में भी जो है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज किए जाते हैं, तो ये भी प्रिंसिपल है फार्मुलेरी मैनेजमेंट का। यूज मेडिसिन सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग, कि मेडिसिन की जो सिलेक्शन करनी है वो किस बेस पे करनी है, डॉक्टर ने जो प्रेस्क्राइब
करनी है पेशेंट को मेडिसिन, वो किस बेस पे करनी है, एफिकेसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मेडिसिन, कि वो मेडिसिन पेशेंट की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इफेक्टिव है या नहीं है, ठीक है, वो उसको सही कर सकती है या नहीं कर सकती, ट्रीट कर सकती है या नहीं कर सकती, तो इफेक्टिवनेस के बेस पे जो है वो मेडिसिन को सिलेक्ट करना है। सेफ्टी ऑफ मेडिसिन, कि वो मेडिसिन सेफ भी है, ठीक है, महफूज है, उस मेडिसिन की वजह से बहुत ज्यादा जो सीवियर साइड इफेक्ट्स होते हैं वो पेशेंट में नहीं आ रहे, ठीक है, वरना माइनर तो होते ही हैं कि किसी को जो है वो उल्टी आने लग जाती है, सर में दर्द होने लग जाता है। इसके अलावा जो सीवियर किस्म के साइड इफेक्ट्स होते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होते हैं, वो अगर अपेयर नहीं होते तो इसका मतलब है कि वो मेडिसिन सेफ है, ठीक है। इसके अलावा आप जिस तरह प्रेगनेंसी के अंदर कुछ मेडिसिन यूज नहीं की जाती, जिस तरह की एस्प्रिन है, तो पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक, या इस तरह जिस तरह होता है कि शुगर, शुगर वाले पेशेंट्स में जो है वो बीटा ब्लॉकर्स इंडिराल जो है वो नहीं दी जाती, तो इसी तरीके से मेडिसिन की जो सेफ्टी है उसकी बेस पे भी मेडिसिन की जो सिलेक्शन है उसको हम कहते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया है मेडिसिन को पेशेंट को देने का। क्वालिटी ऑफ मेडिसिन, कि मेडिसिन की जो क्वालिटी है वो जाहिर सी बात अच्छी ही होगी, क्योंकि फॉर्मुलरी सिस्टम के अंदर पहले ही इस चीज को मद्देनजर रखा जाता है कि इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ ड्रग्स ना हो, अच्छी क्वालिटी हो, तो क्वालिटी ऑफ मेडिसिन को भी जो है वो फॉलो किया जाता है। कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन का क्या मतलब है, कि लो कॉस्ट मेडिसिन जो है वो पेशेंट को दी जानी चाहिए, क्योंकि अब पेशेंट्स जो हैं उनमें अमीर भी होते हैं गरीब भी होते हैं, अमीर के लिए तो कोई मसला नहीं है अगर उसको महंगी भी लिख दी है, लेकिन गरीब के लिए तो मसला है, क्योंकि गरीब पेशेंट तो नहीं उसको अफोर्ड कर सकता ना, तो इसलिए कॉस्ट ऑफ मेडिसिन को भी जो है वो मद्देनजर रखना है। लो कॉस्ट मेडिसिन अगर अवेलेबल है तो लो कॉस्ट मेडिसिन वाली अवे जो है वो पेशेंट को प्रेस्क्राइब करनी है। सिलेक्ट मेडिसिन डेट आर कंसिस्टेंट विद नेशनल एंड रीजनल फार्मुलेरीज एंड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस, जिस तरह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कि हेल्थ के बारे में अवेयरनेस देते हैं, या नेशनल फार्मुलेरीज हैं, ठीक है, क्योंकि हर जगह की अपनी अपनी फार्मुलेरी है ना, तो उसी फार्मुलेरी के अकॉर्डिंग और जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस होती हैं, जो स्टैंडर्ड हदायत होती हैं, उसके मुताबिक उन मेडिसिन को जो है वो सिलेक्ट करना है, ताकि वो कंसिस्टेंट हो, पेशेंट भी उसको फॉलो अप कर सके, पेशेंट की कंडीशन को वो ट्रीट कर सके। रिस्ट्रिक्ट मेडिसिन यूज टू अप्रोप्रिएट प्रैक्टिशनर्स, के जो मेडिसिन का इस्तेमाल है उसको सिर्फ ये नहीं करना कि यही जो डॉक्टर्स यहाँ पे बैठे हैं सिर्फ वही प्रेस्क्राइब कर सके, ठीक है, मतलब कोई मखसूस प्रैक्टिशनर्स, मखसूस डॉक्टर को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना कि उन्होंने ही सिर्फ इस मेडिसिन को जो है वो प्रेस्क्राइब कर के देना है पेशेंट को। अगर कोई बाहर से आ जाता है डॉक्टर, तो उस डॉक्टर को भी जो है अलाउ करना चाहिए कि वो इन मेडिसिन के यूज को, इन मेडिसिन को जो है वो पेशेंट को प्रेस्क्राइब कर सकता है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल टू बाय द मेडिसिन, ठीक है, कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बेस पे भी, कि ये ना हो कि जो मेडिसिन लिख के दी जा रही है वो एक्सपेंसिव हो, अगला बंदा उसको खरीद ही ना सके, तो इसीलिए अगर फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल टू बाय द मेडिसिन है तो एक्सपेंसिव मेडिसिन भी लिख के दे सकते हैं, लेकिन अगले बंदे की कंडीशन को देखना है, अगले बंदे के हालात देखने हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम, उसको कोई माली हालात का सामना तो नहीं है, ठीक है, तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज इनको कहते हैं, इसकी बेस पे जो है वो मेडिसिन की सिलेक्शन की जाती है। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि बेनिफिट्स क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, इसके अलावा कौन कौन से कायदे कानून प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, ठीक है, और किस बेसिस पे जो है वो मेडिसिन की सिलेक्शन करनी है। तो आज के लेक्चर में अगर आपको कोई चीज समझ ना आई हो तो हम उसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।